ये मेरा एक स्टोर था जो कि एक अदद मिलता है स्टोर शादी के बाद। इसमें मेरा सारा जहेज था। सबसे पहले तो मैंने उसको उठा के सेल कर दिया। और फिर क्रॉस वेंटिलेशन टू साइड्स है, एंट्रेंस से भी है और इधर से भी विंडो है। तकरीबन 5 बच्चों की एवरेज है। अच्छा माशाल्लाह। ये 5 बच्चे पाल रहे, अकेली पाल रही है 5 बच्चे। ये भी अकेली फीमेल है जो बच्चे पाल रही है। सेल्फ होने से पहले रिजर्व हो जाती है। माशाल्लाह। तकरीबन 5 है लेकिन इसको मैंने कुछ को फोस्टर कर दी गई है। जैसे 5 एग्स हैं वो मैंने 30 नंबर केज में फोस्टर की गई हैं। नीचे देखें 2 एग्स जो है वो 24 में की गई हैं 4 माह। ये अपने बच्चे खुद ही पालता है और खुद ही इनक्यूबेट करता है अपने अंडे। इसके अंदर से मेरे हर दफा में 2 विजुअल पेल फेलो आती हैं और इन्हीं के अंदर से मुझे पार्ग्लू पेल फेलो भी मिला हुआ है। ये मेरे अंदर जितने पेयर्स लगे हुए हैं ये उनके बच्चे ही हैं। मैंने कहा ना कि लबर्ड बेचना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपके पास क्वालिटी बर्ड होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, जिसम मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस्ट। आज हम आप ही के तरफ आए हुए हैं। आप एक स्कूल टीचर हैं और स्कूल टीचिंग के साथ साथ लबड़ की हॉबी भी कर रही हैं। इतनी बाहिम्मत खतून है माशाल्लाह से। इनके हस्बैंड एक साल से बीमार है लेकिन उसके बावजूद उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, घर भी मैनेज कर रही हैं और बर्ड्स की हॉबी करके एक अच्छा रोजगार भी कमा रही हैं। इससे पहले हम आपी का छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट किया। अगर आप आपकी जर्नी के बारे में जानना है तो आप जगह फर्स्ट पार्ट आगे देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आए विजिट कराते हैं आपको आपी का लबड़ का सेटअप। आप सबसे पहले ये बताएं अपने शेड के डिजाइन किस तरह किया हुआ है। डिजाइन मैंने इस तरह से किया है, ये मेरा एक स्टोर था जो कि एक अदद मिलता है स्टोर शादी के बाद। इसमें मेरा सारा जहेज था। सबसे पहले तो मैंने उसको उठा के सेल कर दिया। पेटियां चेटियां जो भी अम्मियां देती हैं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। तो फिर ये था कि इसमें थोड़े थोड़े करके मैं केजेस ऐड करती गई। फिर ये मेरी कुछ विंडो थी, पुरानी थी, इनका शीशा, उनको इस तरह से डिजाइन करवा दिया कि वो शीशा भी छुप जाए और मेरा प्रॉपर एक शेड लगे। माशाल्लाह। और फिर क्रॉस वेंटिलेशन टू साइड्स है, एंट्रेंस से भी है और इधर से भी विंडो है। आपके पास कौन कौन से पेयर लगे हैं यहाँ पे? मेरे पास माशाल्लाह सारी कमर्शियल चीजें लगी हुई हैं कि जो सेल्फ होने से पहले रिजर्व हो जाती है। माशाल्लाह। और आइए मैं आपको विजिट करवाती हूँ। अपनी म्यूटेशन के पेयर दिखाया थे सबसे पहले आप अपने। हाँ ये देखें, ये एक पेयर है। ये कौन सा है? ये वायलेट पेल फेलो है और इसके साथ ब्लूटूथ। ये वायलेट का वायलेट पेल फेलो है और इसके साथ ब्लूटूथ स्प्लिट अपलाइन की फीमेल है। माशाल्लाह। इसने ब्रीड किया आपके पास? जी इसकी लेइंग आईडी है और बॉक्स में आई है। जी बॉक्स। कितने अंडे आ रहे हैं इसमें? तकरीबन 5 हैं लेकिन इसको मैंने कुछ को फोस्टर कर दी गई है। अच्छा माशाल्लाह, 4 अंडे पड़े हुए तकरीबन। हां जब फोस्टर कर दिए हैं। जी और इसके साथ इधर है, ये ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू, ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू है। ये इसका मेल है और इसकी फीमेल है साथ पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। माशाल्लाह। इसने ब्रीड किया आपकी? जी इसकी भी लेइंग आई हुई है। अच्छा कितने अंडे इसने, कितने अंडे उतारे हैं? इसके भी 5 थे लेकिन मैंने फोस्टर कर दिए। अच्छा फोस्टर अंडे कर दिए इसके आपने? हाँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये अपने आप ही क्या मेंशन किया हुआ यहाँ पे? ये इनकी डेट वगैरह मेंशन की हुई है एग्स की। और इस तरफ देखें, इस तरफ मैंने इनको, मैं जिस तरफ फोस्टर करती हूँ अपनी जबान में जो कि डॉक्टरी जबान होती है, कि जैसे 5 एग्स हैं वो मैंने 30 नंबर केज में फोस्टर की गई हैं। नीचे देखें 2 एग्स जो है वो 24 में की गई हैं 4 मार्च को। ठीक 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 ठीक। तो इस तरह से जी। एक मेरे पास ये पेयर लगा हुआ है जी। ये कौन सा? पार्ग्लू पेल फेलो जी। और इसके साथ स्प्लिट पेल फेलो की इसकी इसका इसकी हेन है। तो इसकी एज कितनी है? इसकी तकरीबन 2 साल एज है। तो ब्रीड कब से कर रहे हैं आपके पास? तकरीबन 3 माह से ब्रीड कर रहे हैं। 3 महीने से? अच्छा फर्स्ट ब्रीड है इसकी आपके पास? इसके पास मेरे पास इसकी सेकंड है। ये सेकंड ब्रीड है? बच्चे इसके आए हुए हैं? बिल्कुल आए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा कितने अंडे हैं इसके? 3 अंडे पड़े हुए हैं इसके? 3 अंडे हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद? और एक ये मेरे पास मेरा फेवरेट पेयर है, क्रिमिनो डेकिनो। माशाल्लाह। हाँ ये अपने बच्चे खुद ही पालता है और खुद ही इनक्यूबेट करता है अपने अंडे। इसको फोस्टरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। माशाल्लाह। और इस तरह से ये मेरा बड़ा खूबसूरत पेयर है,
कौन सा पी ये पार्ब्लू स्प्लेटिनो है और लेकिन इसको पार्ब्लू स्प्लेटिनो ना समझे, ये मेरी माशाल्लाह इतने अच्छे है ना कि ये मेरे पेल फैलो के बच्चे पालता है माशाल्लाह। इसके बाद और इधर मेरी सारी म्यूटिशन है और इधर इसके साथ क्लासेस के साथ मेरे फोस्टरिंग पेयर हैं ये जी, ये मेरा पेयर है माशाल्लाह बहुत प्यारा, ये स्प्लिट टू स्प्लिट टेल फैलो है। इसने ब्रीड क्या आपके पास? जी बिल्कुल आती है। और एक ये मेरा पेयर है, ये भी स्प्लिट टू स्प्लिट टेल फैलो है लेकिन ये मेरा बड़ा मैजिकल पेयर है माशाल्लाह, इसके अंदर से मेरे हर दफा में दो विजुअल पेल फेलो आती हैं और इन्हीं के अंदर से मुझे पार्ब्लू पेल फेलो भी मिला हुआ है। तो मैक्सिमम अंडे आपके पास कितने आपी आए हैं तकरीबन? मैक्सिमम मेरे पास तकरीबन 6 भी आते हैं 7 भी, जैसे ये एक पेयर है, ये कुछ स्प्लिट पेल फेलो के बच्चे हैं और साथ ही स्केल बाइनो रेड आई की है, कुछ बाहर आ गए हैं सही, और कुछ बच्चे ये हैं। कितने बच्चे हैं भाई? ये तकरीबन 6 ही हैं। एक ही पेयर के बच्चे? ये एक ही पेयर के बच्चे पाल रहे हैं। एक ये पेयर है मेरे पास, पेयर नहीं है खाली फीमेल है हाँ, और ये मेरे भी क्रीमिनो डेकिनो के बच्चे पाल रही है। अच्छा अकेली फीमेल पाल रही है? ये अकेली फीमेल पाल रही है। तो कितने बच्चे पाल लेती है आप ये तकरीबन? तकरीबन 5 बच्चों की एवरेज है। अच्छा माशाल्लाह। तीन मेरे पास फीमेल हैं जो बच्चे पाल रही हैं, ये भी अकेली फीमेल है जो बच्चे पाल रही है। सही 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 माशाल्लाह। अच्छा कितने बच्चे पाल रही है? ये इसके पास 4 हैं, बाकी 2 के पास 5-5 है। आपका मुझे ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, ये वाला, ये आपने क्या लगाया हुआ है? ये एक्चुअली मैं जॉब करती हूँ और सुबह के टाइम में जल्दी भी आती हूँ, तो समटाइम एक दो दफा एक्सपीरियंस हुआ है कि जिसके पास बच्चे थे उसको सॉफ्ट फूड देना याद नहीं रहा और जो खाली थे, फिर मैंने ये देखा कि मैंने इस तरह से अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बनाया कि जिसके पास बच्चे हैं उनको बच्चे सॉफ्ट फूड लाजमी देना है और फिर ये 7 अंडे हैं, तो फिर अब मुझे इनके रंगों से भी दूर से पता चल जाता है, इसलिए पूरे शेड में जहाँ पे अंडे बच्चे है ना, तो ये भी लगा हुआ है हाँ। एक ये लगा हुआ है तो इजीली पता चल जाता है। अच्छा अच्छा, जिसमें अंडे वाले लगा हुआ है हाँ। और जिसमें बच्चे हैं उन बच्चों वाला लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक हो गया माशाल्लाह। और आप इसके अलावा क्या दिखाएंगे आप? और मेरे पास बाकी इस सीजन के जितने भी चीप्स हैं कुछ वो पड़े गए हैं जी। आपने केज साइज बॉक्सर क्या दिया आप ये? ये तकरीबन 1.5-2 है केज साइज जो है, ये वर्टिकली है ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन एक ही बात है। अच्छा माशाल्लाह। ये मेरे अंदर जितने पेयर्स लगे हुए हैं ये उनके बच्चे ही हैं माशाल्लाह हाँ। ये देखिए इनमें से जो काफी सारे हैं जो पॉसिबल ब्लू टू हैं माशाल्लाह, जो मिक्स हुए हुए हैं, और ये पेल फेलो है, क्रिमिनो है, डेकिनो है, इस तरह से ये नीचे भी पेल फेलो है, क्रिमिनो है, और इस तरह से ये ओप्लाइंस में है, ये भी ओप्लाइंस में है, और कुछ स्प्लिट पेल फेलो में है माशाल्लाह। आपने कुछ फिंच रखी हुई है? ये वाली ये गोल्डियन है, स्टार्ट मैंने गोल्डियन से किया था लेकिन फिर जैसे जैसे अल्लाह ताला ने मुझे अपग्रेड किया तो अब मेरे पास सिर्फ यही है, वो बाकी मैंने सारी सेल कर दी है, इनको मैंने रोक ली है। अच्छा माशाल्लाह। अभी आप कह रही थी कि मेरे पास सब एडवांस बुकिंग हुई हुई है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी कुलीग्स नहीं छोड़ती। अच्छा, मैंने कहा ना कि लव बर्ड बेचना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आपके पास क्वालिटी बर्ड होना चाहिए। तो आप ये सारा आपके पास बुक हो चुका है इस टाइम? नहीं ये बुक नहीं है, ये मेरे अपने लिए है। अच्छा, ये आपने अपने फ्यूचर प्लानिंग की हुई है? फ्यूचर प्लानिंग की हुई है। ठीक हो गया। तो आप ये किस एज में पढ़े हुए पट्टे आपके पास? ये तकरीबन 4 माह के हैं सारे, इन में से 3 माह के भी हैं, देखे ना इनकी बीक जो है वो वॉश हो रही है, तो ये तकरीबन 3.5-4 माह के हैं, इनमें से ये नीचे वाले हैं वो 2.5 माह के हैं जो अभी सेल्फ हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आप इनकी एज का कैसे पता लगता है कि आप बच्चा? ये देखे ना जैसे ये अल्बाइनो है इसकी पिंक होना शुरू हो जाएगी, येलोश खत्म हो जाएगी और पिंकिश आ जाएगी, तो इसका मतलब है ये एडल्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा माशाल्लाह हाँ। तो आप ये अपने सॉफ्ट फूड में क्या दे रही हैं बर्ड्स को? सॉफ्ट फूड में वही भीगा दाना और उसके अंदर एग एंड बिस्किट, वो जो आजकल वन एंड ओनली दी डॉन का है, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया और माशाल्लाह मैं लगी नहीं हूँ उसी सॉफ्ट फूड पे, और बाकी कुछ मल्टी वाइटामिन मैंने एक ही डिब्बे के अंदर सारे बना दिए हुए हैं, मिक्स कर दिए हुए हैं ताकि वो सुबह मुझे एक एक डिब्बा ना खोलना पड़े, उसमें सारी वर्सी लगा के हैं तो, और बाकी वही मुरिंगा वगैरह और नेचुरल हर्ब हर्ब्स वगैरह जो है।
चलिए आपकी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सेटअप विजिट करवाया, माशाल्लाह बहुत मजा आया, अल्लाह आपके सेटअप को नजरबाज से बचाए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।